मेरा नाम रोहन धीमान है और मैं अभी रजिस्ट्रार हूँ NIT राउरकेला में। और ये एक युवा संगम जो इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है, जिसमें पहले काशी तमिल संगमम आपने अगर सुना होगा, जिसे KTS भी बोलते हैं, तो उसकी सबसे पहले वो KTS प्रोग्राम जो है वो हुआ। और वो प्रोग्राम की सक्सेसफुल जो नेचर है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ने फिर अभी स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कि हमारे यहाँ से डिफरेंट स्टेट से जो बच्चे हैं वो जाएंगे, या यूथ जो कि 18 से 30 साल के हैं वो जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में आएंगे। और इसकी जो रेशो थी दैट वाज 70-30, जहाँ पे 700 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल गो टू नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से 300 दे विल कम हियर। और इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने नोडल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, तो सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये दायित्व दिया गया कि दे विल प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन अकम्पलिशिंग दिस टारगेट। और उसके लिए उड़ीसा के अंदर NIT राउरकेला को चूज़ किया गया एज वन ऑफ द नोडल इंस्टीट्यूट। और हमारा जो मेन इसमें रोल है, दैट रोल इज वेयर वी आर सेलेक्टिंग 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम उड़ीसा, बट इज नॉट विद NIT राउरकेला, दैट इज ऑल ओवर उड़ीसा वी आर सेलेक्टिंग दो स्टूडेंट्स गोइंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसके साथ हमारा जो पेयर है वो है सिक्किम। सर, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कैसा आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये इनिशिएटिव जो है इसमें देखिए परस्परता, प्रौद्योगिकी और उसके बाद जो कल्चर है, ये सबको ये एक हार्नेस करता है और पर्सन टू पर्सन जो कनेक्ट है। देखिए, यहाँ से हमारे बच्चे वो सिक्किम जाएंगे और सिक्किम से जो बच्चे हैं वो यहाँ आएंगे, और वो जो यूथ हैं वो उड़ीसा के, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज है, चाहे आपके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे वो हायर लर्निंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हैं, या फिर यहाँ की जो रिप्यूटेड इंडस्ट्रीज हैं। तो इसीलिए हमने जो प्रोग्राम है, हमारी एक सेल है जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत सेल, और उसकी जो पूरी टीम है उन्होंने ये चॉकआउट किया है प्रोग्राम। तो अभी जैसे वो आज आ रहे हैं, आज तो NIT के अंदर रहेंगे, देर विल बी अ वेलकम सेरेमनी ऑल्सो इन द इवनिंग, जहाँ पे हमने डिफरेंट स्कूल्स जो सेरेमनी ऑल्सो इन द इवनिंग जहाँ पे हमने डिफरेंट स्कूल्स जो राउरकेला के उनको इन्वाइट किया है, एंड दोज किड्स यू नो दे विल बी परफॉर्मिंग। और कल जो हैं देर विल बी अ टूर इनसाइड द NIT, और उसके बाद वो फिर राउरकेला स्टील प्लांट जाएंगे, हमारे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम देखेंगे, उसके बाद में वो IIM संबलपुर जाएंगे, हीराकुद डैम जाएंगे, देन VSSUT बुरला भी वो जाएंगे, और उसके अलावा फिर वी हैव ऑल्सो प्लांट की वो एक खिंडा विलेज है जो हमारे वीर सुरेंद्र साईं जी का प्लेस है, तो वो वहाँ पे भी जाएंगे बिकॉज वो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और एक बहुत ही वो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। तो इसी तरह से हमने ये जो पूरा प्रोग्राम है वो इसीलिए बनाया है कि वेयर यू नो दे विल गेट अ कंप्लीट ओवरऑल पैकेज विद इन फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज। और ऑल्सो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो उनको अपने घर भी लेके जाएंगे, चाहे शाम की चाय है या खाना है, बेस्ड ऑन यू नो देयर ओन इंटरेस्ट। तो वो उन वॉलंटियर्स और उन बड़ी प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, तो दे विल बी मोर कनेक्टिंग विद ईच अदर फॉर यू नो होल ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे आप आए हैं उड़ीसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कभी सिक्किम जाके आया ही नहीं हूँ। इतना नेपाली ट्रेडिशन में हमारा वेलकम हुआ, इतना ग्रैंड वेलकम, वी डिडंट एक्सपेक्टेड, वी आर फीलिंग लाइक वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड ओवरवेलम्ड राइट नाउ। हम 4:00 से रवाना हो जाएंगे, तो 4 तक हम यहाँ पे रहेंगे। माय नेम इज प्रज्ञानदीप गुरुंग, I'm from Sikkim, from Namchi district. So currently I'm pursuing my bachelor's in political science. So the journey has been very good till now. How do you feel about what you say about Odisha? It's very new to me because it's the first time I have been to Odisha. The weather is a bit hot than our place. In our place it's very humid and cold. Okay, thank you. यहाँ पे एकदम बढ़िया लग रहा है, जैसे जिस तरीके से आपको हमने तो रिसीव किया उस तरह, मतलब हमें सोचा नहीं था उस तरीके का रिसेप्शन होगा बोल के, हम सोचे तो सिंपल होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा भव्य रूप से हुआ। अभी वी आर फीलिंग वेरी गुड। जी, पहली बार क्या कार्यक्रम है? एक्चुअली दिस इज प्रोग्राम कॉल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत,
तो इसमें हम सिक्किम के 25 बच्चे लेके आए, 25 बच्चे विद इंक्लूडिंग 5 कोऑर्डिनेटर्स। तो उसमें हम ओडिशा का कल्चर, ओडिशा का कल्चर, ओडिशा का ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, यहाँ का आदमी कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जान के हम जाएंगे। उड़ीसा देखिए, जहाँ तक मुझे, दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू उड़ीसा, जहाँ तक मैं देख के आया हूँ, जहाँ तक मेरा रिसेप्शन हुआ है अभी, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, ओके, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स अ टूर ऑफ 5 डेज, ओके। तो अभी हमारा एक लिस्ट आइटिनरी से, तो हम जगन्नाथ, राहुल किला, IIT राहुल किला, NIT राहुल किला, सब घूम के हम जाएंगे। फिर पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, यस। मेरा नाम कविता सिंह सिन्हा है और मैं नामथंग साउथ सिक्किम से आई हूँ और हम लोग ये 5 दिन का ओडिशा में NIT रोहतला में हमारा युवा संगम का एक प्रोग्राम है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर ये इनिशिएट किया गया है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है और हम लोग यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। थैंक यू। क्या बोलेंगे ओडिशा के बारे में, क्या बोलेंगे? It's a very beautiful place from what I have seen and I'm looking forward to capture the glorious moment. Thank you. कितने दिन आए थे और कितना काम किया? Okay. हम लोग 5 डेज के लिए आए हैं और हम लोग पहले NIT रौरकेला जाएंगे, उसके बाद हमारा टूर है NIT हीराकुद डैम पे टूर है, डिफरेंट टेम्पल्स पे टूर है, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल, और हम लोग यहाँ के नियर बाई जो भी विलेज है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ के लोगों के साथ हम परिचय करेंगे और वहाँ के जैसे जीविका चलता है उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे और वहाँ का कल्चर।